क्या पता क्यों जब भी इस चाचा जी को सरपंच के रूप में हम लोगों को दिखाया जाता है, तब तब भाई इनको कैसी भी सीरीज हो उसमें बुरा बना दिया जाता है। क्या पता इनके पीछे क्या रीजन है। खैर, मैंने गाइस फाइनली कुवारी चीक के पार्ट वन को देखकर कंप्लीट किया। अब इस पार्ट वन में क्या अच्छा और क्या बुरा है, सीरीज आपके लायक है या फिर नहीं, कितना मजा देती है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो गुरु, मुझे इस सीरीज की स्टोरी एकदम ही वाहियात देखने को मिली है। आखिर क्यों बनाते इस तरह की स्टोरी, गांव में किसकी चीख निकल रही है, नहीं निकल रही है, दरवाजे पर जाके सुनना, ये कैसी स्टोरी है। स्टोरी मुझे एकदम ही बकवास देखने को मिली और ना जाने हंटर वाले बार बार ऐसा क्यों करते हैं। हम लोगों को ढेर सारी सीरीजें ऐसी देखने को मिली हैं जिसकी भाई स्टोरी एकदम ही वाहियात देखने को मिलती है। सेम इस सीरीज की स्टोरी भी वैसी ही है। इस तरह की स्टोरीज देखकर लिटरली दिमाग में ये दौड़ने लगता है कि हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा चलन किसी गांव में होगा ही होगा। आप लोग सोचकर देखो, आप भी कभी ना कभी किसी सीरीज की स्टोरी देखकर ऐसा जरूर सोचते होगे। बस शिकायत मुझे इस सीरीज की स्टोरी से है, इसके अलावा सीरीज में सारी चीजें एकदम कड़क दिखाई गई, फिर चाहे वो एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस। इस सीरीज की जो मेन एक्ट्रेस है वो है रितु राय, और गुरु इनको आप लोग अगर सीरीज में देख लोगे तो पागल हो जाओगे। समझ लो रितु राय की अब तक की ये सबसे बेस्ट सीरीज में से एक है। मतलब मेरा परफॉर्मेंस है, मतलब मेरा सीन से है, रितु राय की ये अब तक की बेस्ट सीरीज साबित हो सकती है अगर आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करोगे तो। रितु राय ने सीरीज में काफी बढ़िया काम किया। इसके साथ साथ सीरीज में एक एक्ट्रेस हम लोगों को और देखने को मिली जिनका नाम है रितिका सूर्या, इनका भी काम सीरीज में अच्छा ही है। सीरीज को कल हंटर के ऐप पर रिलीज कर दी गई थी, और गुरु इस पार्ट वन में आप लोगों को अभी चार एपिसोड देखने को मिलते हैं। चारों के चारों एकदम कमाल है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 21 से लेकर 30 मिनट के बीच आप लोगों को करके दिखाई जाएगी। सीरीज में अभी और भी सारी एक्ट्रेस है जैसे कि कोमल रुथाला और पीयूष सिंह, उनका सीन पार्ट टू में दिखाया जाएगा। पार्ट वन में समझो मेन क्वीन रितु राय है, तो अगर आप लोग रितु राय के लिए इस सीरीज को देखते हो तो रितु राय आप लोगों को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो जाओ सीरीज जाकर देख लो, आपका भाई कहता है सीरीज एकदम आपके लायक बनाई गई है, एकदम कड़क है। तो बस ये था वो छोटा सा रिव्यू जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ।